हम में से कई लोगों के दुख जाहिर करने का तरीका रोना होता है। कोई बहुत कम रोता है और किसी के जरा सी बात पर ही आंसू बहने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हर आंसू का मतलब रोना नहीं होता? असल में हमारे आंसू तीन तरह के होते हैं, बेसल यानी बुनियादी आंसू, रिफ्लेक्स आंसू और भावुक आंसू। हमारी आंखों के आईबॉल और आईलिड के बीच लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो इन सब आंसुओं को बनाता और हटाता भी है। अब बात करते हैं इन आंसुओं के प्रकार की। तो बेसल आंसू वो पानी है जो हमारी आंख के कॉर्निया को गीला रखता है। हम एक दिन में 150 से 300 ml बेसल आंसू बहाते हैं, लगभग एक चाय के कप के बराबर। रिफ्लेक्स आंसू की बात करें तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि रिफ्लेक्स एक्शन पर निर्भर करते हैं। बाहरी बदलाव जैसे प्यास काटना, आंख में डस्ट जाना या हमारा वॉमिटिंग करना आदि से। ऐसा कुछ होने पर कॉर्निया दिमाग को सिग्नल देता है कि आंख में पानी की परत सूख रही है, उसे पानी की ज़रूरत है। और वही पानी मिलने के बाद जो पानी बाहर आता है वो होते हैं रिफ्लेक्स आंसू। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी माने जाने वाले भावुक आंसुओं की। ये आंसू हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं और इस पर निर्भर होते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि भावुक आंसुओं में ACTH हार्मोन और पेन किलर होता है, जिसकी वजह से रोने के बाद हम बेहतर और हल्का महसूस करते हैं। इसीलिए जब हम चोट लगने पर रोते हैं वहाँ भी आंसू पेन किलर का ही काम करते हैं। यही आंसू मन की पीड़ा मिटाने में भी मदद करते हैं। कई सारी रिसर्च हमें बताती हैं कि मर्दों के मुकाबले औरतें ज़्यादा रोती हैं। मनोवैज्ञानिक विलियम फ्रे की 1982 की रिसर्च के मुताबिक महिलाएं औसतन महीने में 5 से ज़्यादा बार रोती हैं और उनके मुकाबले मर्दों की औसत 1.5 बार भी नहीं होती। महिलाएं औसतन एक बार में 5 से 6 मिनट रोती हैं और आदमी केवल 2 से 3 मिनट। अगली बार आपकी आंखों से पानी आने पर आपको नाम सहित पता होगा आप किस किस्म के आंसू बहा रहे हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।